किस्मतपुर नाम के एक गांव में चकमा नाम का एक व्यक्ति पुराने सामान उठाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारता था। वो एक अनाथ था। उसे अमीर लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आता था। अगर कोई कीमती कार में जाते हुए दिखे तो उन्हें देखकर चकमा, पता नहीं वो भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों किए, अमीर लोगों को और पैसे देते हैं और मेरे जैसों को कुछ भी नहीं देते। अब ऐसे सोच के फायदा नहीं है, उस भगवान से ही इस अन्याय के बारे में पूछना होगा, सोचा। ऐसे सोचकर बिना कोई देरी किए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करना शुरू करता है। दिन रात धूप बारिश ऐसे किसी की परवाह करे बिना तपस्या करते ही जा रहा था। उसके दाढ़ी और मूंछ बढ़ने लगे। कपड़े फटने लगे। ऐसे थोड़े समय के बाद भगवान प्रकट हुए। बेटा अब बस करो, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें कैसा वर चाहिए? स्वामी आप इतना देर क्यों किए? पता है मैं गरीब हूँ ना, इसलिए इतनी देर के बाद प्रकट हुए। अगर मेरी जगह कोई अमीर आदमी तपस्या करता तो आप तुरंत प्रकट हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है वत्स, मेरे लिए सब समान है। मैं सिर्फ मनुष्यों को जन्म देता हूँ। पैसे गरीबी इन सब की सृष्टि मनुष्यों ने ही की है। तुम गरीब हो तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार बनूंगा? बोलो वत्स। आपका क्या है भगवान जी, ऐसे बातें बहुत बोलेंगे। तो फिर मैं जो भी छूं तो उसे सोने में बदलने का वर दीजिए, तब देखता हूँ, तब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस दुनिया में गरीबी को मिटा दूंगा। वत्स मेहनत करके पैसे कमाना है, मगर उसके विपरीत ऐसे वर नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तुम पूछ रहे हो ना, इसलिए दे रहा हूँ। अब से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर गायब हो जाता है। बस चकमा तुरंत गांव में के एक कटिंग दुकान को आता है। ए भाई, मेरी कटिंग और शेविंग करना है, तुम्हें कितने चाहिए? रे कौन हो रे तुम, देखने में तो भिखारी के जैसे दिख रहे हो। लगता है जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम मुझे कितने पैसे चाहिए कहकर पूछ रहे हो। तुम्हारे जैसों को मैं कटिंग नहीं करता। छिची जाओ यहाँ से। रे निकम्मे, कितना चाहिए का मतलब कितने पैसे सोच रहे हो क्या? पैसे नहीं रे, सोना, सोना दूंगा। देखो अब से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, कहकर उसके दुकान को छू लिया। बस वो दुकान एक सोने के दुकान में बदल गई। वो नाई दंग होकर उसके आगे हाथ जोड़कर, श्रीमान मुझे माफ कीजिए, आइए आप जिस स्टाइल में कटिंग करने के लिए पूछोगे तो उस स्टाइल में कटिंग करूंगा। एक बार मेरे घर को आकर उसे भी छू लीजिए स्वामी। ऐसे वो नाई उसका अच्छा कटिंग और मालिश भी करता है। ठीक वैसे ही कपड़े के दुकान वाले के पास से नए कपड़े खरीद कर उस दुकान को छूते ही वो दुकान भी सोने के दुकान में बदल गई। वो दुकान वाला भी उसके आगे खुशी से हाथ जोड़ने लगा। ऐसे ऑटो चढ़कर उतरने के बाद उस ऑटो को भी सोने में बदल दिया। एक जगह पर बिरयानी खाकर उस ढाबे को सोने के ढाबे में बदल दिया। थोड़े ही दिनों में वो पूरा गाँव सोना के जैसे बदल गया। एक दिन गांव वाले उसके घर को लट पकड़ कर आए। क्या भाई सुबह सुबह ऐसे लट पकड़ कर आए, क्या इन्हें भी सोने के जैसे बदलना है क्या? जल्दी दीजिए, अब से मैं देश घूमकर पूरे देश को सोना में बदल दूंगा, तब इस देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा, यही मेरी कोशिश है।
रे निकम्मे, तुम्हारे वजह से ही इतना नुकसान हुआ है रे। जो भी चीज बहुत दुर्लभ होती है तब भी उसकी कीमत ज्यादा होती है। एक जमाने में सोना बहुत कम मिलता था, इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। मगर अब तुम्हारे वजह से जहाँ देखो वहाँ सोना ही सोना है। अब तो सोना पत्थर के बराबर हो गया है। बाहर बेचने के लिए देखे तो ग्राम को एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। इस गांव को बनाए जैसे ही पूरे देश को सोना में बदल दिए तो सिर्फ अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसे मारना ही सही रहेगा, कहकर सब मिलकर उसे मारने लगे। बाप रे, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, हे भगवान मुझे बचाओ, कहकर पुकारने लगा। तब भगवान ऊपर से उसे देखते हुए हंसकर हाथ घुमाए। बस वो गांव फिर से एक साधारण गांव में बदल गया। तब से चकमा फिर से पुराने सामान उठाते हुए खुशी से जीने लगा। शेषाचलम जंगल में मंगल पांडे नाम का लाल चंदन तस्करी करने वाला आदमी रहता था। वो लाल चंदन को काटकर उन्हें ट्रक में चढ़ाकर जंगल पार करवाकर उन्हें हार भर ले जाता था। वहां पर विदेशियों को माल बेचकर पैसे कमाता था। ऐसे वो अपने घर के नीचे बहुत सारा सोना और पैसे छुपा कर रखता था। उस एरिया के एसआई का नाम संपत राज था। संपत राज के बेटे का नाम पुष्पा राज था। संपत राज अपना बुलेट चलाते हुए जंगल में स्मगलर्स को ढूंढता रहता था। जब पुष्पराज के पिता अपना बाइक चलाते थे तो पुष्पराज पीछे बैठकर जानवरों को बड़े चाव से देखता था। एक बार वो अकेला ही पैदल चलते हुए जानवरों को देखने जंगल में गया। तब एक बाघ उसके पीछे पड़ी। वो देखकर पुष्पराज मारे डर के भागने लगा। इतने में एक स्वामी जी वहां पर आकर उसे अपना छेड़ी दिखाए और वो जानवर मारे डर के वहां से भाग गई। बेटा तुम कौन हो, इस जंगल में क्यों फिर रहे हो? स्वामी जी मुझे जानवर बहुत पसंद है। बाघ, शेर जैसे खूनखार जानवर मुझे और पसंद है, मगर मुझे उनसे खेलना मुमकिन नहीं होगा ना, इसीलिए कभी कभार उन्हें देखने के लिए आता रहता हूँ स्वामी। जानवरों के प्रति तुम्हारा प्यार अच्छा है, मगर खूनखार जानवरों से खेलना बहुत खतरनाक है बेटा, तुम कभी भी इस तरफ मत आना। आप ऐसे मत कहिए स्वामी जी, अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनके पास गए तो भी वो मुझे कुछ नहीं करे, ऐसा कोई मंत्र मुझे दो स्वामी, कहकर हाथ जोड़ा। तुम बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारे कहे जैसे किए तो जानवर अपना सहज गुण खो बैठेंगे, वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं तुम्हें एक माया रस्सी दूंगा, उसे उन पर फेंक कर उन्हें पकड़े तो वो छोटे हो जाएंगे, तब वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तब तुम उनसे जितना चाहे उतनी देर खेल सकते हो, बाद में उन्हें छोड़कर हाथ घुमाए तो बस है, वो फिर मामूली कदमे आ जाएंगी, कहकर उसे एक रस्सी देकर चला गया। और उस दिन से पुष्पराज जंगल में शेर बाघ जैसे जानवरों पर रस्सी फेंक कर उन्हें छोटा कर देता था। और वो उनसे अच्छे से खेलता था। बाद में उन जानवरों को नीचे रखकर हाथ घुमाते ही वो बड़े होकर मारे डर के जंगल में भाग जाते थे। एक दिन पुष्पराज के घर में सब टीवी देख रहे थे, तब टीवी में एंकर शेषाचलम जंगल में स्मगलिंग करते हुए पुलिस और सरकार वालों को परेशान करने वाले मंगल पांडे को पकड़े तो 10 करोड़ देंगे कहकर सरकार ने घोषणा की है। यूं बोलने लगी, ओ जी अगर आप उसे पकड़े तो वो 10 करोड़ हमें ही मिलेंगे ना, उन पैसों से अपने सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी ना।
वो उतने आसानी से मिलेगा सोच रही हो क्या पगली? अगर उसे पकड़ भी लिया तो मुझे कोई मेडल देंगे, मगर पैसे क्यों देंगे री? क्योंकि वो मेरा काम है ना, अगर बाहर वाले पकड़ेंगे तो ही पैसे देंगे। वो सुनकर पुष्पराज सोच में पड़ गया। एक दिन वो जानवरों से खेलने के लिए जंगल में गया, तब उसे पेड़ कटवाते हुए मंगल पांडे दिखा। पुष्पराज पेड़ के पीछे छुपकर उनके बातें सुनने लगा। ए, यहाँ लाल चंदन के पेड़ खत्म हो गए हैं और थोड़े सालों तक नहीं उगेंगे। अब यही हमारा आखिरी लोड है। आप लोग मेरे दिए पैसे लेकर थोड़े दिन तक कहीं दूर जाकर छुप जाओ। भैया तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? आप कब लौटाओगे? मैं दूसरे देश को जाकर थोड़े दिन एंजॉय करके आऊंगा रे। मैंने सारे सोने को पिघलाकर एक गोल्डन हेलीकॉप्टर को तैयार करवाया है, उस पे चढ़कर भाग जाऊंगा। राडार की भी पकड़ में ना आए जैसे मैंने उसे डिजाइन करवाया है रे। उसके कहे जैसे ही एक दिन गोल्डन हेलीकॉप्टर तैयार हुई, वो हेलीकॉप्टर चढ़कर निकला। ऐसे वो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए पुष्पराज के घर के ऊपर से जाने लगी। घर के ऊपर उसके लिए इंतजार कर रहा पुष्पराज तुरंत हेलीकॉप्टर के ऊपर वो रस्सी को फेंका। हेलीकॉप्टर को रस्सी लगते ही वो छोटी बन गई। उसके साथ साथ मंगल पांडे भी छोटा हो गया। पुष्पराज तुरंत उस हेलीकॉप्टर को लेकर पुलिस स्टेशन के पास आया। बाहर ठहर कर पिताजी बाहर आइए कहकर पुकारने लगा। तब सारे पुलिस वाले बाहर आए। पुष्पराज तब जो बीता वो सब अपने पिता को बताकर, मैं इसके हेलीकॉप्टर के लिए एक हफ्ते से बिना सोए ढूंढ रहा था। अपनी किस्मत अच्छी थी कि ये अपने घर के ऊपर से गुजरी है, इसीलिए इसे तुरंत पकड़ लिया मैंने। कहकर उस हेलीकॉप्टर को नीचे रखकर हाथ घुमाया, तब वो बड़ा बन गया। मंगल पांडे भी बड़ा बन गया। सारे पुलिस वाले मंगल पांडे को पकड़कर उसे जेल में डालकर खूब मारने लगे। बाद में स्टेज के ऊपर पुष्पराज को 10 करोड़ रुपए दे रहे तो सारे लोग तालियां मारने लगे। एक गांव में दो एड़े रहते थे, उनका नाम ललन और गगन था। जब भी देखो वो लोगों को रुलाना, छोटे बच्चों से आइसक्रीम और चॉकलेट छीन कर खाना, मंदिर में अंधे भिखारियों से चिल्लर चुराना, ऐसा घटिया और चिल्लर काम करते थे। केला खाकर जानबूझकर उसका छिलका सड़क पर फेंकते थे, उसके ऊपर कोई भी पैर रखकर फिसल जाते थे तो उनका वीडियो लेकर हंसते थे। वैसा एक नहीं कई फालतू काम करते रहते थे। एक बार दोनों शहर में पिक्चर देखने के लिए बिना टिकट खरीदे एक ट्रेन में चढ़ गए। उनके सामने एक स्वामी जी बैठा हुआ था। जब ट्रेन जा रहा था तभी बारिश शुरू हुआ। तब ललन, क्या स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, और आपने टिकट लिया या फिर बिना टिकट चढ़ गए हो? कहकर मजाक किया। तब स्वामी जी, बेटा मैं एक काम पर जा रहा हूँ, मुझे टिकट खरीदे बिना यात्रा करने का आदत नहीं है, वैसा करना जुर्म भी है, कहकर उसका टिकट को निकाल कर दिखाया। तभी बारिश बढ़कर बाढ़ आकर ट्रेन आगे नहीं जा पाकर रुक गया। फिर वहां पर टीसी आकर, देखिए यात्रियों, ये बाढ़ रुकने तक ये ट्रेन यहाँ से नहीं हिलेगा, कम से कम 12 घंटों तक हमें यहाँ ही रुकना होगा, कहा। तब एक औरत, हे भगवान, मुझे कल एक बड़ा सा आईटी कंपनी में नौकरी है, अगर ज्वाइन नहीं हुई तो किसी और को दे देंगे, बोली। तब एक आदमी, हे भगवान, कल मेरा दुबई का फ्लाइट है, घर का सब सोना बेचकर इस नौकरी को हासिल किया है, अगर वो फ्लाइट मिस हो गया तो मुझे आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, कहा। वैसे ही सब अपने अपने मुश्किलों के बारे में कहने लगे। तब स्वामी जी, देखिए उदास मत होइए, मैं इस ट्रेन को उनका मंजिल तक पहुंचता हूँ, कहकर हाथ घुमाते ही ट्रेन हवा में उड़ने लगा। वो देखकर सब लोग हैरान होकर उनको प्रणाम किए। तभी ललन और गगन को एक बुरा विचार आया। एक बार दोनों जंगल के तरफ स्वामी जी को ढूंढते हुए गए,
उधर उनको स्वामी जी दिखाई दिए। तब वे दोनों स्वामी जी के पैर पकड़कर उनको नहीं छोड़ रहे थे। तब स्वामी जी, अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, आप लोग कौन हो, क्यों इधर आए हो, उठिए उठिए, कहा। तब दोनों खड़े हो गए और फिर ललन, स्वामी हम गरीबों के लिए बहुत पुण्य काम करते हैं, असल में गरीब लोग भूखे हैं कहकर ऐसा बात सुनते ही हमसे खाना खाया नहीं जाता है, कहा। तब स्वामी जी, बहुत अच्छा बात है बेटा, लेकिन इस जमाने में भी आप जैसा लोग हैं तो वो सब भगवान का कृपा है, मगर अभी आपको क्या मुश्किल आया है, कहकर पूछा। तब गगन, क्या बताएं स्वामी जी, हमें व्यापार में नुकसान होकर हमने सब कुछ खो दिया है, हमें कुछ भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मगर गरीबों का क्या होगा, उसके लिए हमारे अलावा और कौन है स्वामी, कहा। तब स्वामी जी, आहा आपका कितना अच्छा मन है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कहकर पूछा। तब ललन, स्वामी हमें उड़ने वाला सोने का एक ट्रेन और पैसों का एक ट्रेन चाहिए, उनकी मदद से पैसे कमाकर हम गरीबों का मदद करने के लिए सोच रहे हैं, कहा। तब स्वामी जी, उड़ने वाला ट्रेन हो तो बस है ना, लेकिन सोना और पैसों से ही बनाया हुआ ट्रेन क्यों चाहिए, कहकर पूछा। तब गगन, कुछ भी नहीं है स्वामी, मामूली ट्रेन तो वैसा ही हमारे गांव में है ना, अगर सोना और पैसों का ट्रेन है तो यात्रीगण बहुत आकर्षित हो जाएंगे स्वामी जी, कहा। तब स्वामी जी, आहा कितना समझदार हो आप लोग, ठीक है लेकिन उन पैसों से और सोना से सावधान रहना बेटा, अगर चोरों का आंक लग गया तो बस गया, कहकर हाथ घुमाते ही उधर दोनों ट्रेन प्रकट हुए। फिर वे लोग स्वामी जी को प्रणाम करके वहां से उनको चलाते हुए चले गए। हवा में अगल बगल उड़ते हुए ललन, वो स्वामी जी बड़ा पकौड़े जैसा लग रहा है, हमने जो कहा वो सब झूठे बातें मान लिया है, लेकिन हमारे गांव के घटिया लोगों को इसमें हम क्यों चढ़ाएंगे। तब गगन, हाँ यार उस स्वामी जी को मंत्र पता है लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अब ये ट्रेन हमारा पूरा जिंदगी ही बदल देगा, चलो इस गांव को लोगों को इस ट्रेन को दिखाते हैं, सबको जलन होके मरना है, कहा। फिर वैसे ही उनका ट्रेन आकर गांव में रुके। बस उस गांव वाले कुछ भी सोचे बिना उन ट्रेन के ऊपर गिरकर सोना और पैसों को लूटने लगे। कुछ ही मिनटों में उधर कुछ भी न बचा हुआ देखकर ललन और गगन ने सर पकड़ लिया। ध्यान में स्वामी जी ये सब देखकर हंसने लगा। एक गांव में शुभम नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटते हुए अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था, उसका नाम कुलकर्णी था। वो अवैध रूप से पैसे कमाकर अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में छिपा कर रखता था। एक बार उसके घर पे इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं। वो लोग जब घर में छापा मार रहे थे तभी एक चूहे को 200 रुपए के नोट को पकड़कर भागते हुए एक इनकम टैक्स अधिकारी देख लेता है। ये क्या जी, वो चूहा ऐसे पैसे लेकर भाग रहा है, उसे पैसे कहाँ से मिले। कुलकर्णी घबरा गया। ए निकम्मी कहीं की, अलमारी खोलने के बाद बंद करते हैं कहकर तुम्हें नहीं पता। सॉरी सर, मेरी पत्नी को भूलने की बीमारी है, हमारे घर में चूहे बहुत हैं। वो नोट हमारे अलमारी में के है सर। लगता है आपके जैसे ही आपके चूहों को भी पैसों की लालच बहुत है। अच्छा हुआ आपने कह दिया, नहीं तो आप अपने घर के नीचे पैसे छुपा कर रखे होंगे कहकर मुझे शक हुआ था। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। चलो भाई चलो, कहकर सब वहाँ से चले गए। बाद में कुलकर्णी और उसकी पत्नी अंडरग्राउंड के अंदर जाकर देखे तो थोड़े चूहे नोटों के ऊपर चढ़कर उन नोटों को खा रहे थे। वो देखकर कुलकर्णी की पत्नी, हे भगवान ये क्या, इन पैसों को चूहे खा रहे हैं, और थोड़ी देर होती तो हमें इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते थे। हारी अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हम इन पैसों को यूं ही छोड़ नहीं सकते, तुरंत इन्हें सोने में बदल कर कहीं पर छुपाना होगा। ऐसे कुलकर्णी और उसकी पत्नी पैसों को सोने में बदलकर एक ऑटो ट्रक में सोने को चढ़ाकर जंगल को गए।
वहाँ एक पेड़ में सारा सोना छुपा है। जगह पहचानने के लिए वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ दिए। अगले दिन एक ड्रामा कंपनी वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर क्या करना है समझाए। वो आदमी एक मांत्रिक का भेष डालकर गांव के अंदर गया। वहाँ गांव के चौराहे में एक रंगोली डालकर एक बड़ा हवन करे जैसे नाटक करने लगा। ये सब गांव वाले दंग होकर देखने लगे। ओम हिम क्रीम बम बम बोले यूं पुकारते हुए मंत्र पढ़ने लगा। श्रीमान आप कौन हैं? हमारे गांव के बीच में ऐसे हवन क्यों कर रहे हैं? रे मूर्ख क्यों क्या पूछ रहे हो रे? तुम्हारे गांव में शाकिनी जाति की चुड़ैल आई है रे, वो तुम सबको मिंगलने के लिए देख रही है, मगर मेरे होते हुए ये सब होने नहीं दूंगा। मुझे वो शाकिनी चुड़ैल चाहिए, वो जहां कहीं भी रहती है वहां पर एक लाल झंडा लगाती है। वो जरूर इस गांव के जंगल में है कहकर मुझे शक है। अगर किसी को भी कहीं पर लाल झंडा दिखाई दी तो उसके पास बिल्कुल मत जाना, वो चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। ओम हिम कहकर मंत्र पढ़ने लगा। ये सुनकर गांव वाले सब डर गए। एक बार एक बंदर उस जंगल में मौजूद लाल झंडे को लेकर उसे खेलकर ले जाकर दूसरे पेड़ के नीचे रखकर चला गया। बाद में उस जंगल में शुभम और उसकी पत्नी आए, उन्हें वो लाल झंडा दिखाई दी। बाप रे वहाँ लाल झंडा है, तो फिर वहाँ पर शाकिनी चुड़ैल जरूर होगी, चलो चलते हैं, जाकर अपनी जान बचाते हैं। काम छोड़कर घर गए तो हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? वैसे भी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं ना, हम दूसरी जगह जाकर वहाँ लकड़ी काटेंगे, चलो। ऐसे वे दोनों सोने के पेड़ को काटने लगे। उस पेड़ के तनों को काटते ही उसके अंदर सोना दिखाई दिया। वो देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वो तुरंत एक ऑटो लाकर उसमें सोना डालकर घर चले गए। उन पैसों से दूसरे गांव में एक बड़ा घर और कार खरीदकर जीने लगे। एक बार कुलकर्णी और उसकी पत्नी जंगल में आकर देखे तो उन्हें वहां पर बंदर लाल झंडे के साथ खेलते हुए दिखी। ये देखकर दोनों दंग हो गए। उन्हें कटा हुआ अपना पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। एक गांव में मोटू नाम का एक युवक रहता था। मोटू को अपनी सौतेली माँ मीराबाई के अलावा और कोई नहीं था। मीराबाई मोटू की मासूमियत का फायदा उठाकर अच्छे से जीती थी। मोटू दिन भर मेहनत करके मजदूरी का काम करता था। मीराबाई उसके कमाए पैसे लेकर छुपा देती थी, मगर उसे बचे हुए बासी रोटियां खाने के लिए देती थी। फिर भी मोटू उसे कुछ नहीं कहता था। एक बार मीराबाई मोटू से, रे बेटा तुम्हारे बचपन में तेरे पिता के देहांत के बाद से अपनी जिंदगी ऐसी हो गई है कहकर तुम्हें पता है ना, तुम दिन रात मेहनत करके कमाए पैसे हमारे खाने के लिए भी बस नहीं हो रहे है। अब हमारे ऊपर एक नई समस्या आ पड़ी है रे। 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी पड़ोस गांव के मुंसिफ के पास कर्ज लिए है कहकर सुबह वो आकर झगड़ा करके गए है। अब उनका कर्ज नहीं चुकाए तो ये घर भी हमें नहीं बचेगा। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, कहकर रोने लगी। अरे माँ आप मत रोइए, मैं और ज्यादा मेहनत करके उनका कर्ज चुका दूंगा, आप ना डरे। मुझे तुम्हारे बारे में पता है बेटा, इसलिए मैंने एक चिक्की खरीदी है। तुम काम करके लौटाने के बाद रात भर इस चिक्की को घुमाए तो हम थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सकते है, एक साल के अंदर उनका कर्ज चुका सकते है, कहकर उसे एक चक्की दिखाई। उस दिन से मीराबाई आस पड़ोस के औरतों के पास से चावल गेहूं लेना शुरू करती है। मोटू रात में चक्की पीसते हुए आटा बनाने लगा। मीराबाई वो आटा लेकर वो जिन जिन के हैं उन्हें दे देती थी। ऐसे मोटू घंटों तक चक्की पीसकर पैसे कमाने लगा। मीराबाई उन पैसों को छिपाने लगी। एक बार मोटू को मेले में पड़ोस गांव का मुंसफ दिखाई देता है।
मुनसफ जी, हम आपका कर्ज जल्द ही चुका देंगे, आप मेरे माँ को तकलीफ ना दें। तुम क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे माँ को तकलीफ क्यों दूंगा भला, तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे ना। ओहो, अब मुझे समझ आया, तेरी सौतेली माँ तुझे पागल बनाकर नचा रही है कहकर मैंने सुना है, तो वो सच्ची है। देखो मोटू, कम से कम अब तो भी तुम अपने आँखें खोलकर तुम्हारे माँ के चंगुल से बाहर आओ, वो तुम्हारी शादी करे बिना तुम्हें एक गुलाम बनाकर रखने की सोच रही है। ये सुनकर मोटू का दिल टूट गया। छी, क्या जिंदगी है मेरी, मेरी माँ ने ही मुझे धोखा दिया, छह सोचा। मोटू उदास होकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। इतने में उसे मुझे बचाओ कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। मोटू चारों ओर देखने लगा, वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज फिर से, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे पाताल में हूँ बेटा, जमीन खोदकर मुझे बचाओ, कहकर सुनाई देती है। मोटू तुरंत एक सब्बल से वहाँ खोदना शुरू करता है। बहुत देर खोदने के बाद वहाँ एक बड़ा सा खड्डा बना। मोटू उसके अंदर गया तो उसे वहाँ अंडरग्राउंड में एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक मुनीश्वर एक खम्बे से बंधा हुआ था। मोटू तुरंत जाकर मुनि को छुड़ाया। बहुत धन्यवाद बेटा, मुझे एक मांत्रिक ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। ये एक चमत्कारी कमरा है, इसमें एक विचित्र वस्तु है। वो मांत्रिक यहाँ पे 6 महीनों के बाद आएगा। इसके अंदर तुम इस चीज का इस्तेमाल करके धनवान बनो, कहकर उसे एक चक्की दिखाया। ये क्या है स्वामी, ये वर है या श्राप? उस चक्की पे चिर मच के ही मैं घर छोड़कर ऐसे आया हूँ, यहाँ भी मुझे इस चक्की को घुमाना होगा क्या? मुझसे नहीं होगा स्वामी। एक बार उसे घुमा के तो देखो बेटा। मोटू ना चाह के भी उस चक्की को घुमाने लगा। बस उस चक्की में से अनगिनत सोना आने लगा। मोटू आश्चर्य में पड़ गया, स्वामी जी को नमस्कार किया। तुम्हारे लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त है, उस मांत्रिक के आने से पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, याद रखना। ऐसे मोटू उस चमत्कारी चक्की को घुमाने लगा, उसमें से सोना निकलने लगा और सोने का बड़ा ढेर बन गया। मोटू उस सोने को ऊपर ले जाकर बैलगाड़ियों में चढ़ाने लगा। ऐसे मोटू उस चमत्कारी चिक्की को 6 महीनों तक घुमाया और वहां से बहुत सारा सोना ले गया। ऐसे करते करते मोटू पूरे देश में ही एक बड़ा धनवान बना। ये बात मीराबाई को पता चली। वो जंगल में मोटू के खोदे हुए खड्डे के पास गई और उसके अंदर खोदी। उस खड्डे में से, क्योरी निकम्मी कही की, तो तुम ही ने मेरे चक्की का इतने दिनों से इस्तेमाल किया है, अब तुम बाहर नहीं जा सकती, कहकर आवाज सुनाई दी। बस मीराबाई वहाँ से कभी बाहर नहीं आई। रामपुर नाम के एक गांव में एक मुर्गियों का फार्म हुआ करता था। उसके मालिक का नाम महिपाल था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। वो सबके जैसे बार बार मुर्गियों के अंडों का दाम नहीं बढ़ाता था। दुकानों में अंडे सप्लाई करने के साथ साथ अनाथाश्रम के बच्चों को भी मुफ्त में अंडे बांटता था। उसके फार्म के बगल में कृपाल नाम का एक व्यक्ति का भी मुर्गियों का फार्म था। कृपाल बहुत लालची था और वो हर दम अंडों के दाम बढ़ाते ही रहता था। इस वजह से दुकान वाले ज्यादातर महिपाल के अंडे ही खरीदते थे। इस बात पे कृपा को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन कृपाल, ए क्या भाई महिपाल, कितने बार भी बोलूं तुम बदलोगे नहीं क्या? तुम अंडों के दाम क्यों नहीं बढ़ाते? तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार नुकसान में चल रहा है। शराफत से तुम भी मेरे जैसे अंडों के दाम बढ़ाकर बेचो, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों भाई कृपाल, मुझे क्यों धमका रहे हो? मैं तुमसे कितने बार कहूँ कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने के लिए नहीं सोचता। जो गरीब चिकन मटन नहीं खरीद सकते उनके लिए ये अंडे ही बचे हैं। एक और बार तुम मुझे धमकाने की कोशिश किए तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा, जाओ जाकर अपना काम देखो, कहकर वहाँ से चला गया। उसके बातें सुनकर कृपाल को बहुत गुस्सा आता है। उस रात वो अपने आदमियों के साथ आकर महिपाल के मुर्गियों के फार्म को जला देता है। अगले दिन महिपाल आकर देखता है कि उसका मुर्गियों का फार्म पूरा जला हुआ था। वो सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
और वो घर जाकर अपने पत्नी से ये सब बताकर, हमने फार्म को चलाने के लिए बहुत कर्ज लिया है, अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, इसलिए अपनी पूरी जायदाद को बेचकर पहले लेनदारों को पैसे देना है। ऐसे अपने पूरे जायदाद को बेच के आए सारे पैसे उसे कर्ज दिए लोगों को दे दिया और बाद में अपने पत्नी के साथ एक छोटे से कमरे को भाड़े में लेकर उसमें जीने लगा। एक दिन महिपाल अपने पत्नी से, मेरा व्यापार नष्ट हुआ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मगर उन अनाथ बच्चों को अंडे नहीं दे पा रहा हूँ, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों वो भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, कहकर दुखी होने लगा। तब उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। बेटा महिपाल, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें एक माया मशीन दूंगी, उसके अंदर साधारण अंडे डाले तो वो सोने के अंडों में बदल जाएंगी, तुम उन अंडों को बेचकर गरीबों की मदद करना, गलती से भी उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, कहकर गायब हो गई। तब वहाँ एक मशीन प्रकट हुई। महिपाल बिना देरी किए उसमें साधारण अंडे डालने लगा, बस उसमें से सोने के अंडे आने लगे, उसे देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन सोने के अंडों को लेकर एक सेठ जी को बेचकर पैसे ले लिया, उन पैसों को गांव के गरीबों में बांटने लगा। ऐसे फिर से अनाथ आश्रम को अंडे देना शुरू किया। ऐसे आए दिन अंडों को मशीन में डालते ही उसमें से सोने के अंडे आते थे। इस तरह से महिपाल गांव के गरीब लोगों को पैसे देने लगा और अन्नदान जैसे अच्छे काम लगातार करते ही जा रहा था। ये सब देखकर कृपाल को शक हुआ, वैसे इसे दान धर्म करने उतने पैसे कहां से मिल रहे हैं, वो राज क्या है मुझे पता लगाना होगा, सोचा। बाद में महिपाल के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा। तब उसे महिपाल अंडों को मशीन में डालना और उसमें से सोने के अंडे आना देखकर वो दंग रह गया। आहा, तो ये बात है, मुझे वो मशीन चाहिए, उसके मदद से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, सोचा। उस रात वो अपने आदमियों के साथ महिपाल के घर आया, पति पत्नी दोनों को रस्सी से बांध दिया। तुम्हारे मुर्गियों के फार्म को जलाने वाला और कोई नहीं, वो मैं ही था रे, इतना अच्छा सोना देने वाली मशीन मिले तो निकम्मे के जैसे दान धर्म कर रहे हो, उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है रे, दे इस मशीन को अपने घर ले जाओ और इस घर को जला दो, जीते जी इसे सबक नहीं मिलेगा। कृपाल कृपाल, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, उस मशीन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। इतने में वो रोशनी प्रकट हुई। रे नीच कमीने, तेरी कितनी हिम्मत है तो मेरे आदमी को ही मारने की कोशिश करोगे, रुको तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उस मशीन में से सांप बिच्छू बाहर आने लगे और उनके ऊपर गिर के उन्हें काटने लगे। बारे, बारे। यू पुकारते हुए वहां से भागकर चले गए। महिपाल और उसकी पत्नी के रस्सी गायब हो गए। महिपाल और उसकी पत्नी उस रोशनी को नमस्कार किए और तब से वो लोग फिर से साधारण अंडों को मशीन में डालकर उन्हें सोने के अंडों में बदलकर खुशी से जीने लगे।